दोस्तों पावर बैंक की तो हम सभी को जरूरत पड़ती है, खास करके जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा पावर बैंक हमारे लिए सही रहेगा और खरीदना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एकलव्य और मैं आज आपके लिए यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन सा पावर बैंक आपके लिए सही रहेगा, वो भी सिर्फ 1000 रुपए के अंदर। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला पावर बैंक आता है वो है एमआई का एमआई पावर बैंक 2। इसमें आपको 10,000 की कैपेसिटी मिल जाएगी और इसमें आपको 2-वे क्विक चार्जिंग मिल जाएगी और इसके साथ एक लो पावर मोड मिल जाएगा, जैसे कि आप छोटे डिवाइस को चार्ज करना चाहते हो, जैसे कि एमआई के बैंड वगैरह को या कोई वॉच को चार्ज करना चाहते हो, वो भी आप लो मोड पर जाकर इसको चार्ज कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपने फोन को भी क्विक चार्ज कर सकते हो। और इसका जो वेट है वो आपको मिलेगा 242 ग्राम और इसके साथ ही आपको इसमें 6 महीने की वारंटी भी मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रहा हूँ, एक बार जरूर जाकर चेक कीजिएगा। और जो इसकी कीमत है वो है 900 रुपए। और इसके बाद जो आपके पास दूसरी ऑप्शन आती है वो है इंटेक्स का IPBP। इसमें आपको 12,500 mAh की कैपेसिटी मिल जाएगी और इसमें आपको आउटपुट के लिए 3 USB पोर्ट मिल जाएंगे, साथ में LED इंडिकेटर भी मिल जाएंगे और साथ में एक छोटी सी टॉर्च भी आपको मिल जाएगी। और जो इसका वेट है वो है 290 ग्राम और ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और जो इसकी कीमत है वो आपको Amazon पे मिल जाएगा लगभग 800 रुपए में। और इसके बाद दोस्तों जो आपके पास तीसरी ऑप्शन आती है वो है लिनोवो का पावर बैंक। इसमें आपको 10,400 mAh की कैपेसिटी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको आउटपुट के लिए 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे। और जो इसका वेट है वो है 240 ग्राम और ये भी 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और जो इसकी कीमत है Amazon पर वो है 700 रुपए में। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार ये भी जरूर जाकर चेक कीजिएगा। और एक दोस्तों आता है फिलिप्स का 11,000 mAh का पावर बैंक। ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा आउटपुट में 3 USB पोर्ट और इसके साथ ही आपको इसमें LED टॉर्च भी मिल जाएगी और पावर स्टेटस इंडिकेटर भी मिल जाएगा। और जो इसका वेट है वो है 320 ग्राम और ये भी 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और जो इसकी कीमत है वो है 800 रुपए। और दोस्तों एक पावर बैंक आता है फ्लिपकार्ट का ही, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय। इसमें आपको 10,000 mAh की कैपेसिटी मिल जाएगी और इसमें भी आपको 3 USB पोर्ट मिल जाएंगे विद क्विक चार्जिंग के साथ। और इसके अलावा इसमें आपको LED टॉर्च मिल जाएगी, साथ में पावर इंडिकेटर स्टेटस भी मिल जाएगा। और जो इसका वेट है वो है 280 ग्राम। ये पावर बैंक भी 1 साल की वारंटी के साथ आता है और जो इसकी कीमत है वो है 600 रुपए। तो दोस्तों आपको ये पावर बैंक कैसे लगे, आप इनमें से कौन सा पसंद करते हो, कौन सा खरीदना चाहोगे, मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा।